आई हूँ स्कूटी वीडियो। तो स्कूटी का आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर आप बहुत ही कम टाइम में स्कूटी सीखना चाहते हैं तो ये जो टिप्स मैं बताऊंगी इसे आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही जल्द आप सीख जाएंगे। स्कूटी हमेशा प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उसके ऊपर आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो आ जाएगी और आप स्कूटी रास्ते में भी चला पाएंगे। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, स्कूटी में बैठना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बात है। अगर आप ठीक ठाक स्कूटी में बैठ गए तो फिर आपका गिरने का चांस बहुत ही कम होगा, और जब आप नहीं गिरेंगे, जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ मैं तो स्कूटी में अच्छी तरह से बैठ पाती हूँ, तो आप स्कूटी चला भी पाएंगे बहुत ही जल्द। तो देखिए ये जो ब्रेक है ये रेयर ब्रेक है, तो मैं साड़ी को थोड़ा सा टक कर लेती हूँ पहले। तो ये है रेयर ब्रेक और ये है फ्रंट ब्रेक, ओके। तो फ्रंट ब्रेक की यूज़ आपको नहीं करनी है। आप जब भी स्कूटी में बैठना चाहें तो पहले तो आपको स्टैंड उठानी है, और अगर आपको पहले पहले में लग रहा है कि मैं स्कूटी में बैठ पाऊँगी कि नहीं, स्कूटी गिर सकता है, तो आप हाफ स्टैंड लगा के भी बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर स्कूटी में हाफ स्टैंड इस तरह से लगा हुआ रहेगा तो भी आप स्कूटी में आराम से बैठ सकते हैं। देखिए किस तरह हाफ स्टैंड दिया हुआ है और यहाँ पर मैं रियर ब्रेक को इस तरह से खींच रही हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं स्कूटी में बैठूंगी। और बैठने का बाद देखिए अब स्कूटी लेफ्ट साइड में हिला हुआ है, तो अब मैं स्कूटी को सीधा करूंगी और इस तरह से देखिए इस तरह से पीछे की ओर अगर धकेलेंगे तो ये जो हाफ स्टैंड है वो उठ जाएगा। थोड़ा समय के लिए आप सिर्फ और सिर्फ बैठें, दोनों पैर नीचे करके आप बैठे, तो क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ गाड़ी तो मेरी गिर नहीं रही है। और अगर गिरना लगे तो आप हाफ स्टैंड देके भी बैठ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हाफ स्टैंड देके भी आप बैठ सकते हैं। लेकिन इस तरह से आपको बैठने से क्या होगा, गाड़ी की जो वेट है वो आप ले पाएंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी गिर सकती है, गाड़ी को आप इस तरह से पकड़ेंगे आपको डर लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो आपको फॉलो करनी है, जब भी आप स्कूटी सीखें, जब भी आप स्कूटी चलाएं, तो हमेशा ये जो यहाँ पे देखिए ये हैंड चारों उंगलियाँ आपको यहाँ पे रियर ब्रेक में रखना है। आप इसको खींचे ना खींचे वो अलग बात है, यूज़ करें ना यूज़ करें वो अलग बात है, लेकिन आपको आदत ऐसी डालनी है कि ये जो थंब है इसको हमें इस तरह से रखना है, और ये जो चार उंगली है इस चार उंगली को हम यहाँ पे पकड़े रहेंगे। थोड़ा थोड़ा आप थोड़ा सा पकड़े रहेंगे तो क्या होगा, अगर आपकी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डिसबैलेंस हो जा रही हूँ तो फिर आप इसे अगर पकड़ेंगे तो गाड़ी आराम से रुक जाएगी। लेकिन फ्रंट ब्रेक का यूज़ आप सीखते टाइम मत कीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा एक्सेलरेशन ज़्यादा कर लिए और फिर आपने फ्रंट ब्रेक दिए तो गाड़ी झटका खाएगी और फिर आप गिर भी सकते हैं। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। और थर्ड और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आप जब भी गाड़ी चलाएं तो एक्सेलरेशन को आपको कम करना है, एक्सेलरेशन आप ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको कितना करना है और एक्सेलरेशन में आप कंट्रोल किस तरह से करेंगे उसके ऊपर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, तो वो वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। तो फर्स्ट टाइम जब आप गाड़ी को प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करेंगे तो आपको गाड़ी में एक्सेलरेशन बहुत धीरे धीरे करना है, और उसके बाद जब आपने ये हाफ स्टैंड उठा लिए उसके बाद आपने इग्निशन को ऑन करना है और ब्रेक में हाथ रखना है और थोड़ा थोड़ा इस तरह से, पहले तो एकदम से मत दीजिए, बहुत ज़्यादा मत दीजिए, थोड़ा आप देखिए सिर्फ कितना एक्सेलरेशन करने से कितना गाड़ी जाती है वो आपको चेक करना है, थोड़ा और फिर ब्रेक, थोड़ा फिर से ब्रेक, देखिए थोड़ा फिर से ब्रेक, इस तरह से आपको एक दिन पूरा प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तब आप थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा कीजिए, ठीक है। तो जब आपकी वो थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए तब आप थोड़ा सा इसको बढ़ाइए, लेकिन जो ब्रेक है उसको आपको जरूर यूज़ करना है। देखिए ब्रेक ब्रेक, तो इसमें क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस बारे में कि गाड़ी आपकी गिरेगी नहीं, और जब भी आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि गाड़ी आपकी गिरेगी नहीं तो गाड़ी आप आराम से चला पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जब प्रैक्टिस हो जाए तब आप थोड़ा बाहर की ओर ट्राई कीजिए, और हमेशा जब प्रैक्टिस करेंगे तो एक प्लेन सरफेस में कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर के आंगन में कीजिए, लेकिन आप किसी भी फील्ड में कीजिए, उस फील्ड का जो सरफेस होगा वो आपकी एकदम प्लेन होनी चाहिए, एकदम ऊंचा नीचा, तो उसमें आप गिर सकते हैं और गाड़ी अपनी मोशन को पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि आप ट्राई करेंगे और गाड़ी अटक जाएगी कहीं पर ऊंचा नीचा होगा, तो इसलिए आप प्लेन सरफेस पे ट्राई कीजिए। जब आप देखेंगे कि इस तरह से हम थोड़ी देर जा पा रहे हैं तो फिर आप ट्राई कीजिए कि अब आपको
पैर उठाना है। और पैर कौन सा उठाना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि आपको कौन सा पैर पहले उठाना है। राइट वाला जो हम लोगों का लेग होता है वो आपको पहले उठाना है, वो आपको पहले उठाना है, क्योंकि गाड़ी की जो स्टैंड है, हाफ स्टैंड है, वो लेफ्ट साइड में है। ओके, तो अगर आपकी गाड़ी इस तरह से हो जाती है तो आपका जो बैलेंस ना हमेशा लेफ्ट साइड में ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इसका जो स्टैंड है वो लेफ्ट साइड में है। तो इसलिए राइट वाला अगर आप उठा लेते हैं तो आपका आसानी होगी, बहुत ही ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, मैंने जो टिप्स आप लोगों को आज बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो 5-10 मिनट में तो आप सीख नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ 5-10 दिन में ज़रूर सीख पाएंगे। और कॉन्फिडेंस को ज़रूर लाना है, इसके लिए गाड़ी में थोड़ी देर के लिए बैठना है, हर रोज़ बैठना है, उसको आगे पीछे करना है, और उसके बाद जब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं गाड़ी की वेट ले सकती हूँ तो गाड़ी को थोड़ी देर के लिए चलाना भी है। प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ी दूर जाइए और इस तरह से पैर उठाइए और ब्रेक कीजिए। तो इस तरह से करने से आप 5 या 10 दिन में तो जरूर सीख पाएंगे, और जब सीख जाए तो धीरे धीरे पैर उठा के आप आराम से चलाइए। तो अभी दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये जो हैंकी टैकिंग, लेकिन ये आज लास्ट एपिसोड है जहाँ पे मैं स्कूटी के साथ इसको ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ही प्रॉब्लम सा महसूस हो रहा है कि ये एक एजुकेशनल पर्पस से मैं इसे बनाती हूँ और उसके साथ मैं इसे लगा देती हूँ तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। तो इसीलिए दिस इज़ द लास्ट एपिसोड एंड सरोजनी आई एम रियली सॉरी बेटा, मैं बाद में करूँगी, क्यों नहीं करूँगी, लेकिन ये अलग से करूँगी, ठीक है। अगर मैं इस तरह का वीडियो बनाऊँगी तो ज़रूर बनाऊँगी, लेकिन स्कूटी के साथ इसको नहीं जोड़ूँगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो हैंकी है, ये हैंकी को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी एंड इस तरह से फोल्ड करूँगी एंड देन अगेन मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी एंड इसको बीच में से आपको इस तरह कर लेना है एंड इसको आपको यहाँ पे टक कर लेना है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा एक टेक्निक्स है जहाँ पे आप गर्मी के मौसम में ऐसा कर सकते हैं, और इसको आप इस तरह ढक दीजिए तो नहीं दिखेगा। तो इस तरह से फोल्ड करूँगी एंड लाइक दिस, जैसे हम छोटे जब थे ना तब इस तरह से हम पंखा बनाते थे तो बहुत अच्छा लगता था मुझे, तो वही अगर हम फिर से करेंगे तो देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं एंड लाइक दिस। ये मैंने शायद पहले भी दिखाए हैं, तो इसे हम इस तरह से करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा दिखता है, देखिए वाओ। लेकिन अंदर की ओर रहेगा तो आप ही देख सकेंगे, कोई और नहीं देख पाएगा। तो चलिए और एक मैं दिखा देती हूँ, तो इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, ओके एंड इस तरह से मैंने फोल्ड किया, देखिए कुछ भी नहीं किया, जस्ट ट्रायंगल बनाए और एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। और इस ट्रायंगल में इस तरह कीजिए और इस तरह कीजिए, ओके ये हो गया। अब ये होने का बाद इसको यहाँ से उठा दीजिए, ठीक है इधर। तो ये देखिए ये एक अलग टाइप का हो गया, अब इसको आप यहाँ पे टक कर लीजिए, देखिए जस्ट लाइक दिस। सो और एक मैं दिखा देती हूँ लास्ट, देखिए कुछ भी नहीं है, सेम इस तरह पकड़िए इसको एंड देन इस तरह पकड़िए इसको एंड देन इस तरह पकड़िए इसको, ओके। और फिर आपको एक कॉर्नर से बनाना है, जैसे कि आइसक्रीम होता है उस टाइप का एक कॉर्नर बनाना है, ये लाइक दिस बस, ये छोटा सा, ठीक है, ज़्यादा बिग साइज़ नहीं है, बहुत ही छोटा सा है। और इसको आप यहाँ पे टक कर देंगे तो देखिए कितना सुंदर सा एक बन गया, और वो भी कुछ कुछ सा छोटा सा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। कुछ टॉपिक्स मैंने आज आप लोगों को बताए जिसके ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो बहुत जल्द आप सीख पाएंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मन में जो डर है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, वो आपको नहीं सोचना है, क्योंकि जितना आप सोचेंगे कि मैं नहीं कर पाऊँगी तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ मैं कर पाऊँगी तो आप ज़रूर कर पाएंगे, और इतने सारे लोग अगर कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे, ज़रूर कर पाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए एंड टेक केयर, सेव राइट विथ लॉट्स ऑफ लव।